महंगाई के हवाले से ही बात करेंगे। माह रमजान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लहसुन 240, अदरक 260 और लीमू 320 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने कीमतें कम करने का मुतालिबा कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान में माह सियाम के आगाज से ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बढ़ती कीमतों ने हुकूमत ने आवाम के रिलीफ के दावों की कलई खोल दी है। मार्केट में करेले 80 रुपए, बैंगन 60, प्याज और टमाटर 40 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। गरीब आदमी तो जो है हर तरफ से पिस रहा है, क्योंकि माह रमजान से पहले सब्जी कुछ बेहतर थी, लेकिन माह रमजान की वजह से सब्जियों में और महंगाई और इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से उनको खरीदना बहुत ही परेशान है। गरीब इंसान अब किस तरफ जाए, सब्जियों की तरफ आता है, सब्जियां महंगी हैं, परचून की तरफ जाता है, घी आटा चीनी दालें ये सब महंगी हैं। शहरियों का कहना था कि आए रोज कीमतों में इजाफे की वजह से परेशान है और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। एक आम आदमी का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई, हर चीज जो है महंगाई के दौर में हर पहुँच गई है। ठीक है, टमाटर आलू प्याज इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब बंदे की सोच से बाहर हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान।